हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर विनोद एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल VSKEZ फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड विद द टॉपिक फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ। वी विल ट्राई टू कवर ओनली दोज क्वेश्चन विच ऑलरेडी आस्क इन डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। First question, the direction of induced EMF during electromagnetic induction is given by Faraday's law, Lenz law, Maxwell's law and or Ampere's law. So which one is correct one? So यहाँ पे बात हो रही है induced EMF की, जो हमें बताते हैं दो laws. First one is the Faraday's law and Lenz law. ये दोनों related है induced EMF के related. ओके तो यहां पे फैराडेज लॉ क्या देता है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला इज लाइक दिस वन, ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। ओके दिस इज अ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये इक्वेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो फैराडेज लॉ हमें क्या दे रहा है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन यहां पे पूछा गया डायरेक्शन। सो डायरेक्शन कौन सा लॉ कहता है हमें, लेंस लॉ। ओके सो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा। सो दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस लेंस लॉ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेंस लॉ, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in electromagnetic induction the induced emf in a coil is independent of change in the flux, second option is time, third option is resistance of the circuit and fourth option is none of the above. So yahan pe kaun sa option correct hoga, yani jo bhi induced emf hai coil mein वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वन। सो एज वी नो अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज लॉ, द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट इज इक्वल्स टू फॉर अ कॉइल इट्स अ माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ओके ई दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, वेयर डी फाई इज अ चेंज इन फ्लक्स, dt is the time, n is the total number of turns inside this coil. अगर वहाँ पे coil है तो हमें यहाँ पे total number of turns consider करना होगा। अगर simple एक loop है तो यहाँ पे n की value 1 आ जाएगा। Okay? So E is equals to minus n d phi by dt. So on the basis of this equation, we can say that induced EMF is depends on change in the flux. उसके ऊपर depend होगा। वो साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड होगा। वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है ये यहां पे मैटर नहीं करता है। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स through a circuit of resistance R changes by an amount d phi in time dt, then the total quantity of electric charge q which passing during this time through any point of this circuit is given by। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहां से अभी एक इक्वेशन निकल के आएगा, वो इक्वेशन हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ओके सो यहां पे देखिए क्या दिया गया, एक सर्किट है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है R, उस सर्किट को लिंक कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी फ्लक्स है, इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है विद दिस टाइम इंटरवल, विद इन दिस टाइम इंटरवल। ओके सो डी फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंजेस इन टाइम इंटरवल डी टी, देन द टोटल quantity of electric charge q, okay, which passing during the time through any point of the circuit is given by।
सो यहाँ पे चार इक्वेशन दिए हैं जो एक करेक्ट होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इनसाइड द सर्किट इट इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी. दिस इज द चेंज इन फ्लक्स इन दिस टाइम इंटरवल. और यहाँ पे जो नोटेशन दिए हैं वही हम यूज करेंगे. दिस इज द डी फाई अपॉन सॉरी डेल फाई अपॉन डेल टी. ओके, ये नोटेशन यहाँ पे दिया गया है. ओके, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू दिस वन. नाउ एज वी नो दैट ईएमएफ ई इज अ ईएमएफ. अगर ई इज अ ईएमएफ, आर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड आई इज अ करंट. तो इन तीनों में रिलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर. सो वी के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई हियर विच इज इक्वल्स टू आई आर. देयरफॉर आई आर इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल टी. ओके, सो व्हाट इज आई? इट्स अ करंट. अब करंट का डेफिनेशन आपको पता होगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम. सो डी टी इतने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा? सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज इक्वल्स टू क्यू जो कि यहाँ पे दिया है. और टाइम इंटरवल कितना है? डी टी. तो हम यहाँ पे करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ क्यू अपॉन टाइम इंटरवल. सो क्यू अपॉन डी टी इंटू आर, ये आई की वैल्यू होगा, इंटू आर इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल टी. ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल होगा. डेल टी गेट कैंसल. आर को हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं. सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन आर. सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल हैविंग एन एरिया ए नॉट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम बी नॉट टू फोर बी नॉट इन अ टाइम इंटरवल टी. द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल विल बी. ओके, सो यहाँ पे देखिए एक कॉइल है जिसका एरिया कितना है? ए नॉट. और उस कॉइल को ऐसे जगह रखा गया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है फ्रॉम बी नॉट टू फोर बी नॉट. अब मैग्नेटिक फील्ड अगर वहाँ पे चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली जो भी फ्लक्स एसोसिएटेड है विद दैट कॉइल ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड इट गेट आल्सो चेंजेस. ओके, अगर वो चेंज हो रहा है यहाँ पे तो डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा. और उस ईएमएफ की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो ईएमएफ इंड्यूस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इट इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, व्हाट इज डी फाई? इट इज अ चेंज इन फ्लक्स. व्हाट इज डी टी? इट इज अ टाइम इंटरवल. सो यहाँ पे जो दिया गया उसके हिसाब से हम यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है इतने टाइम इंटरवल में. तो फ्लक्स किसके वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. सो यहाँ पे डी फाई चेंज इन फ्लक्स हम फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज द इनिशियल फ्लक्स सॉरी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स. क्यू सफिक्स एफ फाई सफिक्स एफ माइनस फाई सफिक्स आई अपॉन यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना दिया है? इट इज इक्वल टू टी. सो टी इज अ टाइम इंटरवल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन क्यू एफ हम यहाँ पे फाइ एफ हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और फाइ आई. सो फाइ एफ की वैल्यू कितना है? दैट इज फाइनल फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट वन. दिस इज द फोर बी नॉट. ओके, दिस इज द फाइनल फ्लक्स. इनिशियल फ्लक्स कितना था? सो इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बी नॉट क्योंकि बी नॉट इतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे था. ओके, सो चेंज इन फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल. दिस इज इक्वल्स टू फाइनल कितना है? इट्स अ फोर ए नॉट बी नॉट माइनस ए नॉट बी नॉट अपॉन टी. दिस इज इक्वल्स टू थ्री ए नॉट बी नॉट अपॉन टी. सो दिस इज नथिंग बट द
इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इज इक्वल्स टू 3A0B0 अपॉन टी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल इज गिवन बाय एन इक्वेशन फाइव इज इक्वल टू 8T² प्लस 3T प्लस 5. द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4th second विल बी. ओके, सो जो भी कॉइल यहाँ पे दिया गया उस कॉइल से लिंक एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन दिया है विच इज इक्वल टू दिस वन. फ्लक्स इज इक्वल टू 8T² प्लस 3T प्लस 5 इन वेबर्स. ओके, अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन बहुत ईजी है. इक्वेशन कौन सा है? ई इज इक्वल टू डी फाइ बाय डी टी. ओके, सो चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां पे फ्लक्स की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 8T² प्लस 3T प्लस 5. सो फ्लक्स इज गिवन विच इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 8T² प्लस 3T प्लस 5. दिस इज द इक्वेशन ऑफ 5. ओके, फ्लक्स की वैल्यू इतना दिया है. अब ये फ्लक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू DdT ऑफ, तो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8T² प्लस 3T प्लस 5. दिस इज इक्वल्स टू, ओके, सो यहां पे देखिए 8T² का डेरिवेटिव कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 16T प्लस 3T का डेरिवेटिव कितना आएगा, इट्स इक्वल टू 3. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये इतना ईएमएफ टाइम के साथ प्रोड्यूस होगा. अब इस इक्वेशन में टी की वैल्यू आया है, इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू बढ़ रहा है. ओके, तो यहां पे टी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है 4th second. हमें क्योंकि ईएमएफ 4th second पे फाइंड आउट करना है, सो फॉर दैट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 4th second. तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा एट 4th second इन दैट कॉइल. सो ई एट टी इज इक्वल टू 4th second इज इक्वल टू ईएमएफ एट 4th second इन साइड द कॉइल इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3. दिस इज इक्वल टू, ये 64 हो जाएगा प्लस 3, इट्स अ 67. और इसका यूनिट क्या होगा? सो यूनिट यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स में पूछा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 67 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजेंटली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉव थ्रू रिंग विथ इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग. द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट वाइल इट इज पासिंग थ्रू द रिंग इज. वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ओके, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वेदर इट इज इक्वल टू द ड्यू टू ग्रेविटी, whether it is less than that due to gravity, whether it is more than that due to gravity, or depends on the diameter of the ring and the length of the magnet. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे थोड़ा हमें लॉजिक लगाना है. कैसे लॉजिक? देखिए, तो जो सिचुएशन दिया है उसको पहले यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. लेट्स इमेजिन दैट दिस इज दैट रिंग विच इज हेल्ड हॉरिजेंटली. इसको हमने हॉरिजेंटली पकड़ा है यहाँ पे. ओके, और यहां पे एक बार मैग्नेट को हम ऊपर से ड्रॉप करने वाले हैं यहां से. ओके, जब बार मैग्नेट यहां से ड्रॉप होगा, देखिए ये उसका नॉर्थ पोल है या इसका साउथ पोल है, आप किसी भी डायरेक्शन से इसको फेंक सकते हो. ओके, सो इसको हम कौन से डायरेक्शन में ड्रॉप कर रहे हैं, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट रिंग. ओके, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसको हम थ्रो कर रहे हैं. तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से, और उसकी वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू है स्मॉल जी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए अगर यहाँ पे रिंग नहीं है तो। अगर हम रिंग को यहाँ पे लाते हैं विच इज मेड अप ऑफ कंडक्टर, तो क्या होगा? अब जैसे ही ये बार मैग्नेट टूवर्स द रिंग आ रहा है तो इसका इसके रिलेटेड जो भी फ्लक्स यहाँ पे लिंक होगा तो ऑब्वियसली उस फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि अलॉन्ग द अराउंड द रिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजेस। ये पास में आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा। अगर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रहा है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उसको इस रिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ईएमएफ इस रिंग में इंड्यूस हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो ईएमएफ इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगा सो दैट इट अपोज द चेंज। यानी ये अगर पास में आ रहा है तो ये इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो उसको अपोज कर रहा है। तो उसको अगर अपोज कर रहा है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अगर क्रिएट कर रहा है रिटर्न में, अगर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो डेफिनेटली इट एक्ट एज अ मैग्नेट, ये छोटा मैग्नेट करके एक्ट होगा। अगर ये मैग्नेट इस मैग्नेट को क्या कर रहा है, आने से रोक रहा है, तो ऑब्वियसली जब ये इसके पास में आ रहा है तो उस ड्यूरेशन में ये वाला रिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा जो उसको अपोज करेगा। तो उस फोर्स की वजह से, अब फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ डी एक्सेलरेशन होगा। अब जब बार ये पास हो जाएगा इस रिंग में से, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वो उसको बाहर जाने से भी अपोज करेगा। जैसे हमने बहुत ही बेसिक थ्योरी में पढ़ा था, जब हमने फैराडेज लॉ को स्टडी किया था, लेंज लॉ को स्टडी किया था उस वक्त, तो उसके हिसाब से अगर कोई मैग्नेट पास में आ रहा है कॉइल के तो वो भी अपोज करेगा, या दूर जा रहा है तो भी अपोज करेगा। तो उस सिचुएशन में भी उसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा जब बार मैग्नेट यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से निकल रहा है तो उस वक्त भी तो अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। अगर वो अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है। सो इस डिस्कशन से आपको इतना समझ में आया होगा कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो जाना चाहिए था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिंग, तो उसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू द रिंग इज लेस देन दैट ड्यू टू द ग्रेविटी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर कॉइल 10^-2 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10^3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, there are four options are given. Okay, so वहाँ पे एक square coil है, square type coil है, like this one. Okay, तो यहाँ पे इसका जो भी area है वो दिया है, which is equals to 10^-2 meter square. This is the area of this square coil. Okay, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि magnetic flux कितना link होगा इसके साथ। अगर यहाँ पे एक magnetic field है, which is perpendicular. हम परपेंडिकुलर को कैसे दिखाते हैं, जनरली क्रॉस से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में परपेंडिकुलर टू दिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी है परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल है। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू इट्स अ बी डॉट ए विच इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा, वॉट इज बी, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए इज अ एरिया और थीटा इज अ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो कि यहाँ पे वो 0° है। तो देयरफॉर कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच इज इक्वल्स टू B की वैल्यू कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इट्स अ 10^3 ऑलरेडी वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत हमें नहीं है, इनटू
ए की वैल्यू दिया है वो भी ऐसा यूनिट में है, तो उसकी वैल्यू एज इट इज ले लेते हैं 10^-2, ओके, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो उन दोनों में का एंगल है, और इस केस में दोनों के दोनों का एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा की वैल्यू कितना आएगा, 0, तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10, और ये फ्लक्स है तो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इट्स अ वेबर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेट इज ब्राउट टूवर्ड्स अ कॉइल, फर्स्ट ऑप्शन स्पीडली, सेकंड सिचुएशन स्लोली, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड चार्ज विल बी रिस्पेक्टिवली, ओके, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स है जो चेंज हो रहे हैं और दो अलग अलग सिचुएशंस है, ओके, द फर्स्ट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, हम एक मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ ला रहे हैं जो कि फास्ट ला रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, उस वक्त वहां पे दो पैरामीटर्स चेंज होंगे, फर्स्ट वन इज अ ईएमएफ, सेकंड वन इज अ चार्ज, ओके, उस कॉइल में कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो होगा जिसको हम इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, उस मैग्नेट को हम कॉइल के पास स्लोली ला रहे हैं, तो उस वक्त भी दो पैरामीटर्स चेंज होंगे, फर्स्ट वन इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड वन इज अ चार्ज, तो अब यहां पे विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, द फर्स्ट ऑप्शन मोर इन फर्स्ट केस एंड मोर इन फर्स्ट केस, यानी जब हम उसको फास्ट ला रहे तो उस वक्त ईएमएफ भी ज्यादा चेंज होगा और इंड्यूस्ड चार्ज भी ज्यादा चेंज होगा, ओके, मोर इन फर्स्ट केस इक्वल इन बोथ केस, यानी दोनों सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट में ज्यादा होगा और दोनों में चार्ज जो भी इंड्यूस हो रहा है वो सेम होगा, थर्ड लेस इन फर्स्ट केस एंड मोर इन सेकंड केस, फोर्थ ऑप्शन लेस इन फर्स्ट केस एंड इक्वल इन बोथ केस, सो विच वन इज करेक्ट वन, सो लेट अस डिस्कस। यहां पे देखिए फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है, ईएमएफ इंड्यूस के बारे में, सेकंड पैरामीटर कौन सा है, चार्ज के बारे में, अब इन दोनों के इक्वेशन यहां पे हम लिख लेते हैं, सो ईएमएफ इंड्यूस का इक्वेशन होगा ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, हम यहां पे साइन को इग्नोर कर रहे हैं, ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, और यहां पे हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे टोटल इंड्यूस्ड चार्ज व्हिच इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन आर, जो कि हमने इसी वीडियो में डिराइव किया था, ओके, क्यू इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन आर। अब यहां पे देखिए सिचुएशंस कैसे अलग है, सिचुएशन यहां पे फर्स्ट केस में हम स्पीडली मैग्नेट को ला रहे कॉइल के पास और सेकंड सिचुएशन में हम स्लो ला रहे, तो फास्ट लाना मैग्नेट को या स्लो लाना, हम एग्जैक्टली किस पैरामीटर को हम यहां पे वैरी कर रहे हैं, तो वो है टाइम, जब हम उस मैग्नेट को कॉइल के पास स्पीडली ला रहे इसका मतलब है टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, जब उसको हम स्लोली ला रहे तो टाइम इंटरवल की वैल्यू ज्यादा होगा, तो यहां पे ईएमएफ जो भी है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट कॉइल वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, टाइम इंटरवल के ऊपर, क्योंकि वही मैग्नेट है, उसी मैग्नेट को हम एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं, तो फ्लक्स जो भी है चेंज हो रहा है वो तो डेफिनेटली सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा दोनों सिचुएशन में, लेकिन दोनों सिचुएशन में टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा, जब हम उसको स्पीडली ला रहे तो टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, अगर टाइम इंटरवल कम है तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगा, अगर उस मैग्नेट को आप स्लोली ला रहे तो टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा होगा, अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस ये कम होगा, ओके, तो यहाँ से हमें इस डिस्कशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पहले सिचुएशन में ईएमएफ ये ज़्यादा इंड्यूस होगा as compared to the second situation, तो option A और option B इन दोनों में से कोई भी option correct हो सकता है, जबकि third option and fourth option नहीं होगा, okay, क्योंकि इसमें EMF की value less बता रहा है, second देख लेते हैं, second parameter को charge,
चार्ज किसके ऊपर डिपेंड है, तो चार्ज डिपेंड्स है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट और कॉइल। तो यहां पे टाइम पैरामीटर नहीं आ रहा है, आप उस मैग्नेट को स्पीडली लाइए या स्लोली लाइए, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही चेंज हो रहा है और सर्किट की रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। इसका मतलब है दोनों सिचुएशन में Q की वैल्यू कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा, तो इक्वल इन बोथ केसेस। तो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 500 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, द फील्ड इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन 0.1 सेकंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे फॉर्मूला के बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या दिया है सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉइल, कॉइल का एरिया दिया है विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए है 500, एरिया मिल चुका है हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल चुका है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। तो यहाँ पे एक एक चीज हम लिखते जाएंगे। द फर्स्ट वन इज द एरिया दिया है विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू 100 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द एरिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच इज गिवन विच इज इक्वल टू 500। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर, VWB, यहाँ पे दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखिए इतने वैल्यूज दिए थे, उसके बाद यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है, थीटा इज इक्वल टू 0° परपेंडिकुलर टू द कॉइल, द फील्ड इज रिड्यूस टू 0, टाइम इंटरवल की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। ओके, 0.1 सेकंड। अब यहां पे हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इज इक्वल टू सिंपली d∅/dt। ओके, लेकिन फाइ की वैल्यू कितना है, इट इज अ dt ऑफ, फाइ की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू a b n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, सो इस फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आएगा इंटू dt इंटू a इंटू b, a इज अ एरिया, b इज अ मैग्नेटिक फील्ड। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या उस कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, द आंसर इज दैट नो, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया इंटू, सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द आंसर इज दैट s। तो अब सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एन की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू 100 इंटू 10^-4 मल्टीप्लाइड बाय कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, पहले 0.1 था, अब वो कितना हो गया, 0। ओके, 0 हो गया, तो चेंज कितना है 0.1, कितने टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है वो 0.1 सेकंड में, 0.1। सो सिंपली इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, दिस गेट कैंसल। ओके, सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 10^-4 कैंसल, सो 5 1s are 5, दिस इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू 5 और 5 यूनिट्स, और इसका यूनिट क्या है, ओल्ट, इट्स ईएमएफ, सो 5 ओल्ट इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर अ मैग्नेट इज मूव्ड विद अ फास्ट स्पीड टूवर्ड्स अ कॉइल एट रेस्ट, कॉइल कैसा है वो रेस्ट पोजिशन पे है और हम मैग्नेट को फास्ट मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द कॉइल, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, देर आर 3 पैरामीटर्स, फर्स्ट वन इज द ईएमएफ, करंट एंड चार्ज इन द कॉइल इज EIQ रिस्पेक्टिवली, इफ द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज डबल
देखिए अब सिचुएशन यहाँ से चेंज हो रहा है। अगर ऐसे जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उस वक्त वो ई था, जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा था उसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया, और जो भी चार्ज है उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया। यहाँ तक सिचुएशन था पहले। लेकिन अब सेकंड सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, इफ द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज डबल, जो जिस मैग्नेट को हम रेस्ट कॉइल की तरफ ला रहे हैं, ओके जो कॉइल रेस्ट पोजीशन पे है उसकी तरफ मैग्नेट को ला रहे हैं, अगर सेकंड सिचुएशन में हम उसको अगर डबल स्पीड से लाते हैं तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ओके अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से हमें पिकअप करना है करेक्ट आंसर उसका वो है। तो ऑप्शन ए ई इंक्रीजेस, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ इंक्रीजेस, यस वहाँ पे इंक्रीज होता है हमने देखा है। आई इंक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो आई भी इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल की वैल्यू कम हो जाएगा जब आप उसको डबल स्पीड से पास में ला रहे हो, तो टाइम इंटरवल कम, ईएमएफ ज़्यादा, करंट की वैल्यू भी ज़्यादा। सो क्यू रिमेंस सेम एंड क्यू इंक्रीजेस। अब हमने चार्ज का इक्वेशन देखा था, वो इक्वेशन कौन सा था, दिस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, सॉरी डी फाई अपॉन आर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द चार्ज विच इज इंड्यूस इन साइड द कॉइल विच डिपेंड्स ओनली ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज अ चेंज इन फ्लक्स, सेकेंड वन इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे देखिए आप उस मैग्नेट को कितना पास में, कितना फास्ट पास में ला रहे हो या कितना स्लो पास में ला रहे हो, ये टाइम इंटरवल यहाँ पे उस टाइम इंटरवल के ऊपर क्यू की वैल्यू डिपेंड नहीं होता है। सो क्यू शुड रिमेंस कॉन्स्टेंट, द करेक्ट आंसर, ओके इज सॉरी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इनकरेक्ट निकालना है हमें, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ओके क्योंकि ई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, लेकिन क्यू रिमेंस सेम होगा, ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पिक करना है, तो क्यू इज करेक्ट वन। ओके बच्चों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जिसको कर लिया हमने सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।